आपके अपने YouTube चैनल अनुराग सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज यानी 12 सितंबर को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, ओके। इसलिए मैं दोस्तों आपको पहले ही तैयारी करवा दी है, ओके। महादुरुष ने आपको बता दी है 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप दोस्तों मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आपने देख ली होंगी और क्या है जो क्वेश्चन बताया उन्हें आपने तैयार कर लिया होगा, ओके। वस्तुनिष्ठ के लिए आप लगातार कहे सर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बता दीजिए, ओके। तो आपको मैं कहें कुछ सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ, ओके, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और आते रहते हैं, ओके। तो मैं आपको कुछ आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, ओके, विद सॉल्यूशन के साथ। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अलग से कॉपी में लिखें या उन्हें अलग से याद करें, ओके। वीडियो को देखते ही देखते आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ही कम है, ओके। जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट आपको याद हो आप आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन जो आपको याद नहीं है वही वीडियो को पोस्ट करके आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक अध्याय जो आपके एक अध्याय से बढ़कर अपन पहले अध्याय 1 का फिर अध्याय 2 का इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो अध्याय 1 देख लेते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के, ओके। वस्तुनिष्ठ में आपको पहले तैयार कर लेना है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10^8 आपका ये आपका 18 हो जाएगा, ओके। फिर चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन अपॉन कूलाम, ओके। ये आपका मात्रक संबंधित जरूर आता कि एसआई मात्रक इसका क्या है, ओके। तो इससे संबंधित आपको सभी आपको तैयार कर लेने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको रेगिस्तान में आपको तैयार कर लेना है कि क्या है धातु का पराविद्युतांक, ओके। आपको तैयार कर लेना है कि धातु का जो पराविद्युतांक है होता है, ओके। तो धातु का जो पराविद्युतांक है वो क्या है, अनंत होता है, ओके। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम, ओके। क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है आवेश का विमीय सूत्र है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, वो है आपका एटी, ओके। एटी आपका हो जाएगा आवेश का विमीय सूत्र, ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे अपन एक वाक्यांश में देख लेते हैं। तो एक वाक्यांश दोस्तों आपको पहले वाला तैयार कर लेना है, यहाँ आपका एक वाक्यांश, ओके, कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, ओके। तो किस प्रकार के क्षेत्र के लिए, तो एक समान आवेश अनंत समतल चादर में क्या होता है आपका आवेश समूह क्या है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ओके। तो विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की आपकी परिभाषा ये दी हुई है, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण क्या है, परमाणु द्विध्रुव, अणु द्विध्रुव, ओके। इस प्रकार से अपने चैप्टर की कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका विद्युत धारिता एवं विभव, ओके। तो इसमें आपको पहला तैयार कर लेना है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, ओके। तो कितना कोण होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य, ओके, शून्य माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक नहीं है वह है वोल्ट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, ओके। तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर है वो क्या हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है घट जाता है, ओके, जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब रेगिस्तान में देख ले, तो रेगिस्तान में आपको तैयार कर लेना है, पहला एक फेराइड में क्या है, स्थैत फेराइड होते हैं, ओके। तो एक फेराइड बराबर होता है आपका आपका होता है 8.99×10^11 स्थैत फेराइड, ओके। नेक्स्ट तैयार कर लेना है, जूल के जूल इक्वल टू आपका कूलाम इंटू आपका बोल्ट, ओके। मतलब कूलाम इंटू बोल्ट को जोड़ते हैं तो आपका जूल आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, विद्युत विभव क्या है, एक राशि है। तो कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, ओके। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारिता का जो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका फेराइड, ओके। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, उसकी धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है, ओके। ये अपने कंप्लीट हो जाता है। एक वाक्य में देख लेते हैं, तो एक वाक्य में आपको पहले तैयार कर लेना है, समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होता है, ओके। इसकी धारिता क्या हो जाती है, धारिता क्या है, कम हो जाती है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, ओके। तो कितना होता है, तो उसका राइट आंसर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, एक समान तथा बाह्य पृष्ठ के विभव पर क्या है, बराबर होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय महापुरुष ने सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं,
सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका विद्युत धारा, इसे भी देख लेते ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो विद्युत धारा वाले चैप्टर से देख ले, तो पहला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ओके, किसमें? तो ये होता है आपका अर्धचालक। ओके, अर्धचालक पर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करती है। ओके, तो उसकी क्या है? द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो ओम मीटर हो जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट छठवां वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा। ओके, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको उसकी तार को खींचकर, तार को क्या है, खींचा जाता है और लंबाई कितनी हो जाती है? दो गुना हो जाती है, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा चार गुना। ओके, अगर यदि आपके क्वेश्चन में क्या है, लंबाई क्या है, तीन गुना कर दी जाती है और पूछा जाए कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा नौ गुना। ओके, आगे क्वेश्चन आएगा, तो आपको जब क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लंबाई को दो गुना किया गया है, तीन गुना किया गया है। अगर लंबाई को दो गुना किया गया है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा चार गुना, और लंबाई को अगर तीन गुना किया गया है तो प्रतिरोध हो जाएगा नौ गुना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एम्पियर का मात्रक, तो एम्पियर का मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। ओके, अब फिर आपको रेगिस्तान में देख लेते हो, इंपॉर्टेंट है आपका कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है डेड डेडनेस के सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के में। ओके, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। दोनों आपको तैयार कर लेना है, एक जरूर आ सकता है, प्रीवियस ई पेपर में कई बार आ चुका। ओके, नेक्स्ट जो विद्युत धारा है राशि है, तो विद्युत धारा है वो क्या है? आपकी एक अदिश राशि। ओके, नेक्स्ट जो विद्युत धारा घनत्व है, वो विद्युत धारा घनत्व आपकी क्या है? सदिश राशि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध डेड डेडनेस हो जाता है। ओके, तो क्या है आपका? ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या है? घट जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको मैं क्वेश्चन बता रहा था, ओके, वही क्वेश्चन है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई तीन गुना कर दी गई। ओके, पहले क्या है? दो गुना लंबाई कर दी गई थी, अब इसमें क्या है? तीन गुना कर दी गई, तो आपका प्रतिरोध पूछा गया है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा नौ गुना, मैंने आपको समझा चुका हूँ। ओके, चलिए इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है और आगे आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, और आपने अभी अपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फिर चलिए अब देख लेते हैं। अब ये तो मैं आपको सब क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपन। ओके, तो अब अध्याय चार का अपन देख लेते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो सर पहला क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो क्या बनता है? वोल्ट मीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में देख लेते हैं। रेगिस्तान में है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श जो आमीटर है उसका प्रतिरोध क्या है? शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो होता है अनंत। कन्फ्यूज नहीं होएगा। ओके, आपको क्लियर याद रखना है, अगर आदर्श आमीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? शून्य, और आदर्श अगर वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है तो उसका प्रतिरोध जाएगा अनंत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संत है जो आपका, संत को हमेशा जोड़ा जाता है, वो हमेशा क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है, तैयार करके रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट है रेगिस्तान में चुंबकीय तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। ओके, तो हो जाएगा इसका आपको, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब एक वाक्य देख लेते हैं। ओके, तो एक वाक्य ने आपको पहला तैयार करना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक है, हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर इनटू आपका हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है द्रव्यमान स्ट्रोमीटर क्या है, ये एक बार त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। ओके, इसकी परिभाषा ये दी हुई है, आप इसकी इंसोर ले लीजिए, द्रव्यमान स्ट्रोमीटर की। ओके, ये आप इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र समीकरण गॉस का नियम, तो गॉस का नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपको क्या है आपको सिद्ध करना भी सीख लेना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ गॉस का नियम आपको क्या है तैयार कर लेना है, साथ ही सिद्ध करना सीख लीजिए, लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते चुंबकत्व तो एकदम द्रव वाले चैप्टर से। ओके, ओके, तो इसमें आपको देख लेते, इसमें आपको तैयार करना है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ओके, तो क्या होती है? इसका राइट आंसर ऋणात्मक। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये आपको तैयार कर लेना है। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो क्या है इसका फास्ट आंसर आप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। ओके, तो विमीय सूत्र आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका विमीय सूत्र। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दोगुणी याद कर लीजिएगा, दो नंबर में आएगा, ये आपसे क्या है एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर अभी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका लेंज का नियम है वो। ओके, लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
स्वापेरकत्व का मात्रक है, स्वापेरकत्व का मात्रक हो जाएगा आपका हैंडी। सभी ये क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, रेगिस्तान में देख ले तो रेगिस्तान में आपको है पहला है इसमें भंवर धाराओं का को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोड को बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के जो कोड है उन्हें क्या है पटलित बनाया जाता है। ओके, पटलित ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका स्वापेरकत्व का ऐसा ही मात्रक देख चुके हैं, हेनरी होता है। और फिर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका बेबर। ओके, हेनरी और बेबर ये आपको तैयार कर लेना है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर भी अपन देख लेते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट अगर मिलता है इससे संबंध इसमें क्या है जोड़ी आता है। अगर इससे प्रत्यावर्तन ये सातवां चैप्टर से जोड़ी अधिकतम आता है आती है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सभी आपके है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही आपको क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और आपने क्या है अभी तक पार्ट एक पार्ट दो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण दो अंकीय तीन अंकीय चार अंकीय पाँच अंकीय ओके बिस सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन बताए हैं, जाकर उन्हें जरूर देखिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।